Hello students, today's lecture we will discuss some MCQs related to magnetic effect of electric current. Take a first MCQ, an alpha particle and a deuteron projected with equal kinetic energy describes a circular paths of radii R1 and R2 respectively in a uniform magnetic field. Then the ratio R1 is to R2 is. देखिए यहाँ पर दो पार्टिकल्स दिए, एक है अल्फा पार्टिकल एंड सेकंड ड्यूटेरॉन, और ड्यूटेरॉन मतलब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सिंबल डी होता है, 1 2, मतलब एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 2 ड्यूटेरॉन का, हेलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 4, मतलब यहाँ पर चार्ज अगर लेते हैं हम Q1, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इतना होता है, और यहाँ पर चार्ज Q2 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन. देन मास M1, दैट इज 4 एटॉमिक मास यूनिट AMU, और यहाँ पर मास क्या होगा, M2 इज इक्वल टू 2 AMU. ओके, तो हमें डिफरेंट रेडाई जैसे अल्फा पार्टिकल और ड्यूटेरॉन, दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन डिफरेंट रेडाई, तो उनके रेडियस निकालनी है. तो R1 इज टू R2 ये वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट. तो रेडियस के लिए फार्मूला कौन सा है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय R इज इक्वल टू MV डिवाइडेड बाय QB, ये फार्मूला है. ओके, तो फिर कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर R1 बाय R2 इज इक्वल टू M1 बाय M2 इंटू V1 बाय V2. ओके, इंटू देखिए R एंड Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए यहाँ पर Q2 बाय Q1 होगा, एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज B2 बाय B1. ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, ओके, इसलिए हाफ M1 V1 स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ M2 V2 स्क्वेयर, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन पार्टिकल, तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा. नाउ V1 स्क्वेयर बाय V2 स्क्वेयर इज इक्वल टू M2 बाय M1. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर V1 बाय V2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर रूट M2 बाय M1. ओके, तो देखिए यहाँ पर सिंस B इज सेम, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम फॉर बोथ पार्टिकल्स, सो B1 और B2 सेम रहेगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट फार्मूला देखिए, R1 बाय R2 इज इक्वल टू M1 बाय M2 इनटू, अब V1 बाय V2 के जगह पर लिख सकते हैं हम रूट M2 बाय M1, ओके, इनटू Q2 बाय Q1. देखिए M1, M2, Q1, Q2 पता है हमें, तो अब ये रेशियो हम निकाल सकते हैं, R1 बाय R2 इज इक्वल टू, देखिए M1 कितना है यहाँ पर, 4 AMU, M2 2 AMU, रूट M2 2 AMU डिवाइड बाय 4 AMU इंटू Q2 चार्ज ऑन ड्यूटेरॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस इज देखिए 2 × 2 = 4, 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज √1/2, 2 to the 4, सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1/√2, मतलब आंसर क्या होगा स्टूडेंट, R1 to R2 इज इक्वल टू 1/√2, ये आंसर होगा. तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा यहाँ पर, यस, ऑप्शन सी. नेक्स्ट MCQ, इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज −10^-12 कूलम मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 10^5 मीटर पर सेकंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ
10^-10 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, देन द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड इज। देखिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, ओके, एंड इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू इज इक्वल टू 10^-12 कूलम, 10^-12 कूलम मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। लेट दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दी है यहाँ पर 10^5 मीटर पर सेकंड, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ, फोर्स कितना दिया है 10^-10 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन मूव होता है और इसके ऊपर फोर्स वाई डायरेक्शन अलॉन्ग एक्सपीरियंस होगा, लेट दिस इज वाई एक्सिस, देन द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मोशन ऑफ पार्टिकल, देन एक्सपीरियंसल फोर्स, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, सो दिस विल बी अलोंग जेड एक्सिस, तो हमारा जो आंसर आएगा मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्ट्स इन जेड एक्सिस, ओके, तो ये निकालना है। तो बेसिकली फार्मूला कौन सा है, देखें एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। अब मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, मतलब थीटा कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, देयरफॉर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो बी के लिए फॉर्मूला होगा क्यू, ओके, एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी। देखिए एफ कितना दिया यहाँ पर 10^-10 डिवाइड बाय चार्ज 10^-12 एंड वेलोसिटी 10^5, तो ये होगा स्टूडेंट 10^-10 डिवाइडेड बाय -12 एंड +5, सो दिस इज 10^-7, नो 10^-10 इंटू 10^+7 इट बिकम्स +7, सो ये होगा 10^-3, सो बी इज इक्वल टू 10^-3 टेस्ला, ओके, ये मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन कौन से एक्सिस पर होगी, यस अलोंग जेड एक्सिस, तो ये हमारा आंसर रहेगा। सो व्हाट इज द ऑप्शन, यस दिस इज डी ऑप्शन स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, 4 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड टर्न्स 100 टर्न्स, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल इज। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, और यहाँ पर ये सर्कुलर कॉइल दी है, सर्कुलर कॉइल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन आई ए, ये फार्मूला स्टूडेंट, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, ए एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन 100, करंट इज गिवन 4 एम्पियर, ओके, एंड सर्कुलर कॉइल की रेडियस यहाँ पर दिए 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 × 10^-2 मीटर, ओके, चलिए एन आई ए मतलब पाई आर स्क्वेयर, सर्कुलर कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वेयर, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 100, आई 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वेयर मतलब 5 × 10^-2 का स्क्वेयर, अब दिस इज 400 × 3.14, ओके, 5 स्क्वेयर इज 25, 10^-2 का स्क्वेयर 10^-4, देखिए 400 × 25 दिस इज 10,000, 25 × 400 और ये ऊपर के दो जीरोस, into 3.14 × 10^-4,
10,000 मतलब 10^+4 इंटू 3.14 इंटू 10^-4, 10^+4 -4 कैंसिल, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3.14 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। यह आंसर रहेगा स्टूडेंट, सो ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स रेडियस 0.5 मीटर एंड कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। देखिए वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए फार्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय 2 आर। तो नंबर ऑफ टर्न्स हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसलिए कैपिटल एन लिखेंगे। नो देखिए यहाँ पर करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर, करंट कितना है 2 एम्पियर। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स है 50 और रेडियस कितनी दी है यहाँ पर 0.5 मीटर। ओके चलिए इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं, म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4π 10^-7, नंबर ऑफ टर्न्स 50, करंट 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 × 0.5, सो दिस इज 4 × π की वैल्यू 3.14 × 10^-7। ओके 50 × 2 दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2 × 0.5 की वैल्यू होती है 1.0। ओके नाउ दिस इज 12.56। ओके एंड 10^-5 और इट कैन बी रिटन एज बी इज इक्वल टू 1.256 × 10^-4 टेस्ला। तो ऑप्शन देखिए स्टूडेंट कौन सा है यहाँ पर, 1.25 × 10^-4 टेस्ला, दैट इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट वन देखिए, व्हेन अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न द मैग्नेटिक इंडक्शन एट इट्स सेंटर इज बी। व्हेन द सेम वायर कैरिंग द सेम करंट इज बेंट टू फॉर्म सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ स्मॉलर रेडियस द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। देखिए एक स्ट्रेट वायर है, लेंथ ऑफ द वायर इज l। नाउ इन फर्स्ट केस दिस वायर इज बेंट इनटू सर्कुलर फॉर्म, सपोज दिस इज द सर्कुलर कॉइल हैविंग ओनली 1 टर्न। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 1। ठीक है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है। देखिए b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय 2 आर, ये फार्मूला है ना स्टूडेंट, वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब यहाँ पर एक ही टर्न है ओके और हमें वायर की लेंथ पता है l, तो लेंथ ऑफ वायर दैट बिकम्स सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, सो l इज इक्वल टू 2πr, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या होगा फिर l अपॉन 2π। ओके तो b के लिए इक्वेशन होगा स्टूडेंट, b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय 2 × r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर l अपॉन 2π, 2 कैंसिल। ओके देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय l और ये पाई ऊपर चला जाएगा मतलब मल्टीप्लिकेशन में, म्यू जीरो एन आई पाई अपॉन l और b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई पाई डिवाइडेड बाय l बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पर एक ही है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके अब केस सेकंड में देखिए क्या कंडीशन दिए कि फ्रॉम द सेम वायर कैरिंग करंट आई, सेम करंट ओके, लेकिन जैसे देखिए केस 1 के अंदर इसको सर्कुलर फॉर्म में
बेंड किया, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स एक ही था। अब इसी वायर को क्या करना है, सर्कुलर फॉर्म में बेंड करना है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ टर्न्स दिए n, कैपिटल n इज इक्वल टू सपोज स्मॉल n, ओके, इतने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर दिए, मतलब इसकी रेडियस कम हो जाएगी ना, लेट दिस रेडियस इज r डैश, तो फिर जो लेंथ होगी वायर की, ओके, तो लेंथ l इज इक्वल टू n टाइम्स 2πr1 या r डैश होगी, राइट, मतलब एक जो टर्न होगा उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr डैश। अब इतने n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसलिए फिर n टाइम्स 2πr डैश, तो r डैश की वैल्यू क्या होगी, फिर l डिवाइडेड बाय n इंटू 2π, ओके। नो, अब यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, लेट दिस इज b डैश, तो b डैश का फॉर्मूला सेम होगा स्टूडेंट, म्यू जीरो n i डिवाइडेड बाय 2r डैश, सो b डैश इज इक्वल टू म्यू जीरो, अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने n है, ओके, i सेम करंट पास होता है, अपॉन 2 इंटू r डैश की वैल्यू ये रखनी है स्टूडेंट, l डिवाइडेड बाय 2π, देखिए 2 गेट कैंसिल, तो म्यू जीरो इज इक्वल टू, देखिए r डैश की वैल्यू क्या रखनी है हमें, l अपॉन n इंटू 2π, l अपॉन n इंटू 2π, ओके, देखिए म्यू जीरो n i, अब n इंटू पाई ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, n पाई डिवाइडेड बाय दिस l, सो दिस इज b डैश, ओके, सो b डैश इज इक्वल टू, देखिए n इंटू n, n स्क्वेयर हो जाएगा, और बच वाली टर्म्स क्या होगी, म्यू जीरो i पाई डिवाइडेड बाय l, ओके, सो b डैश इज इक्वल टू n स्क्वेयर, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन देखिए, म्यू जीरो i पाई डिवाइड बाय l, दैट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इफ देर इज ओनली वन टर्न, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते बाय b, ओके, तो ये रिलेशन हमें मिलेगा, मतलब जब n नंबर ऑफ टर्न्स हम तैयार करेंगे सेम वायर और सब इन द सर्कुलर फॉर्म, तब इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो n स्क्वेयर टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल हैविंग ओनली वन टर्न्स, तो ये रिलेशन मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, यस, तो फिर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन होगा डी, ओके ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज टर्न इनटू अ लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, ओके, इफ द करंट ऑफ 8 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द लूप, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर सी ऑफ द लूप विल बी, वेबर पर मीटर स्क्वायर में निकालनी हमें, ओके, देखिए यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या दिया है, करंट की वैल्यू दी है I इज इक्वल टू, यस इट इज 8 एम्पियर, I इज इक्वल टू 8 एम्पियर, और लूप का जो रेडियस है R 10 सेंटीमीटर दिया है, ओके 10 सेंटीमीटर मतलब रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, नो देखिए एज शोन इन फिगर देयर आर टू पार्ट्स, एक तो स्ट्रेट वायर है और दूसरा यहाँ पर सर्कुलर लूप है, ओके, एट द सेंटर हमें, एट द सेंटर सी हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ओके, नो देखिए ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ओके सी सेंटर देखिए, फ्रॉम द स्ट्रेट वायर सेंटर सी कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस कितना लेंगे 10 सेंटीमीटर, नाउ ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ओके लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, लेट दिस इज बी वन एंड इट हैज़ फॉर्मूला
देखिए जनरल फार्मूला क्या होगा, मतलब इन्फिनेट लॉन्ग है ना, तो डायरेक्टली हम म्यू जीरो अपॉन टू पाई म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे. ओके, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द स्टेट कंडक्टर. देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है, म्यू जीरो आई डिवाइड बाय फोर पाई आर, ओके, इन ब्रैकेट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये फॉर्मूला ना. अब जबकि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू 90 डिग्री होगी. सो साइन 91 साइन 91 वन प्लस वन टू, ओके, टू टू ज़ा फोर, तो यही फार्मूला मिलता है ना हमें. चलिए बी वन की वैल्यू निकालते हैं इसे, या फिर इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम इस तरह से कि म्यू जीरो अपॉन फोर पाए, ओके, टू आई डिवाइडेड बाय आर. यहाँ पर जो वन प्लस वन टू है, टू इस फोर के साथ हम कैंसिल नहीं करेंगे, ओके, रखेंगे वैसे. तो बी वन इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10^-7. देखिए 2i, आई कितना है 8 एम्पियर, डिवाइडेड बाय आर, मतलब 10^-1, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, 16 इंटू, अब ये 10^-4 ऊपर आने के बाद प्लस 1 माइनस 7, दैट इज 10^-6 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी इज 16 × 10^6 वेबर पर मीटर स्क्वायर. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए स्टूडेंट करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है ना, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल देखिए सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर इस तरह से देखिए. ओके, देखिए एट दिस एट पॉइंट सी ये स्ट्रेट कंडक्टर है, तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो सी पॉइंट पर देखिए डायरेक्शन इनवर्ड होगी ना इस तरह से. तो फिर ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ओके, बी वन 16 × 10^-6 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये होगी वर्टिकली डाउनवर्ड स्टूडेंट, राइट. नाउ अब ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सेकंड, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट सेंटर सी मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या होता है, यस दिस इज बी टू इज इक्वल टू, यस, म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय टू आर. म्यू जीरो की वैल्यू 4π × 10^-7, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर एक ही नंबर ऑफ टर्न्स है. आई करंट 8 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2, आर की वैल्यू 10^-1. ओके, देखिए 2 × 4, तो बी टू की वैल्यू कितनी होगी, 2π × 8, मतलब 16π × 10^-6 वेबर पर मीटर स्क्वायर. एंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल देखिए, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट पॉइंट सी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी, यस दिस इज वर्टिकली अपवर्ड होगी. नो देखिए सी पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स है, एक बी वन है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बी टू है वर्टिकली अपवर्ड. तो देखिए बी टू की वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पर पाई एडिशनल टर्म है ना, 3.14 से 16 को मल्टीप्लाई करना होगा. तो रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी फिर यहाँ पर, B2 - B1. ओके, इनका डिफरेंस हमें लेना होगा स्टूडेंट. सो दिस इज B = 16π × 10^-6 - 16 × 10^-6. ओके, B = 16 × 10^-6 कॉमन निकालेंगे इन ब्रैकेट π - 1, दैट इज 16 × 10^-6 × π की वैल्यू 3.14 - 1.
रेस्टमेंट। सो बी इज इक्वल टू 16 × 10⁻⁶ एन टू, इसका डिफरेंस कितना आएगा 2.14। सो दिस इज, अब इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो ये आएगा 34.24 ओके इंटू 10⁻⁶ रेस्टमेंट। तो देयरफॉर नेट बी की वैल्यू क्या आएगी, बी इज इक्वल टू 3.424 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए जैसे बी टू की वैल्यू ज़्यादा है और उसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट बी टू माइनस बी वन, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड। यस दिस इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड रहेगा। सो देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, एट पॉइंट सी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी 3.424 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर और डायरेक्शन होगी वर्टिकली अपवर्ड। तो फिर ऑप्शन कौन सा रहेगा स्टूडेंट, यस दिस इज ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन अ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, अ फोर्स ऑफ 7.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें पता है, यफ इज इक्वल देखिए ILB sin थीटा, ये फार्मूला है स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके देखिए फोर्स कितना दिया है 7.5 न्यूटन, करंट कितना दिया स्टूडेंट, यस दिस इज 5 एम्पियर, लेंथ 1.5 ओके और मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है 2 टेस्ला साइन थीटा। नो 7.5 इज इक्वल टू 5 × 2 = 10, 10 × 1.5 कितना होगा 15 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 7.5 / 15 ओके सो दिस इज 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, या फिर देखिए साइन 30 डिग्री के लिए वैल्यू है 1/2। तो अगर ये कंपेयर करते हैं तो फिर थीटा कितना होगा स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऑप्शन क्या होगा फिर, ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स, अ कॉइल इन शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.2 मीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द वर्टेक्स सच दैट इट इज हैंगिंग इन वर्टिकल प्लेन बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स प्रोड्यूसिंग अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, द कपल एक्टिंग ऑन द कॉइल व्हेन करंट ऑफ 0.1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू इट्स प्लेन विल बी। देखिए स्टूडेंट्स एक यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरह का लूप दिया है कॉइल का, ओके इक्विलैटरल ट्रायंगल और इसके साइड कितने 0.2 मीटर, 0.2 मीटर इसकी साइड है, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल लूप। ओके तो हमें पता है कि द टॉर्क ऑन क्लोज फ्लैट करंट लूप ऑफ एनी शेप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी इज गिवन बाय टो इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, ये फॉर्मूला स्टूडेंट राइट। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, करंट कितना दिया है 0.1 एम्पियर, ओके मैग्नेटिक फील्ड बी दिस इज 5 × 10⁻⁴ टेस्ला राइट। अब यहाँ पर
ओके, और थीटा कितना हो गया यहाँ पर स्टूडेंट? यस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर कॉइल का जो प्लेन है उस प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। ओके, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हम लेते हैं विच इज़ इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, लेकिन इस सरफेस को अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरह से अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ओके, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा स्टूडेंट? 90 डिग्री होगा। तो ये नॉर्मल इस तरह से होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। ओके, सो थीटा 90, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1। नौ, अब यहाँ पर एरिया निकालना है हमें। देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, देखिए यहाँ पर बेस अगर ये मानते हैं बेस है, ओके 0.2। नाउ फ्रॉम दिस वर्टेक्स अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये 60 डिग्री एंगल होगा, राइट। तो ये हाइट होगी स्टूडेंट, दिस इज हाइट। तो बेस हमें पता हो गया 0.2 मीटर। अब हाइट मतलब 60 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड, तो यश कितना होगा? दैट इज 60 डिग्री एंगल अपोजिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू √3/2 टाइम्स इनटू साइड, मतलब 0.2। तो हाइट कितनी होगी स्टूडेंट? फिर √3 × 10⁻¹। देखिए यहाँ पर ये 0.1 होगा, 0.1 मतलब 10⁻¹। ओके, तो हाइट √3 × 10⁻¹ मीटर। देखिए एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं हम, हाफ बेस कितना है 0.2 और हाइट √3 × 10⁻¹। नाउ एरिया बिकम्स, देखिए फिर से यहाँ पर 0.1 होगा, 0.1 मतलब 10⁻¹ और ये 10⁻¹, 10⁻², सो √3 × 10⁻²m². अब ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। देखें टो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ए के, आई करंट कितना दिया है 0.1, ओके, इंटू एरिया आ गया हमारा √3 × 10⁻²। नौ, मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁴। इसको कंप्लीट करते हैं, देखिए 0.1 मतलब 10⁻¹। ओके, √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 10⁻², 10⁻⁴ मतलब 10⁻⁶ इंटू दिस 5। टू इज इक्वल टू, अब 1.732 इंटू 5 ये होगा 8.660 इंटू 10⁻¹, 10⁻⁶, 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। तो आंसर क्या होगा? 8.66 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर, मतलब ऑप्शन सी। ओके ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मेंस इज 12 सेंटीमीटर, दिस वायर्स एक्सपीरियंस 4 mg वेट पर यूनिट लेंथ, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन इच वायर विल बी। देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक मेंस, मतलब ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दैट इज 12 × 10⁻²m। ये इतना डिस्टेंस है। देखिए दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं और इनके बीच डिस्टेंस होता है ए, उसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर। देन द वायर एक्सपीरियंसेस फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एफ बाई एल की वैल्यू कितनी दी? 4 mg वेट। इसका मतलब क्या होगा? देखिए मतलब पर यूनिट लेंथ, ओके, पर यूनिट लेंथ मतलब मीटर लेंगे हम यहाँ पर। नाउ दिस इज 4 mg वेट है, तो 4 × मिलीग्राम का कन्वर्जन हमें किलोग्राम में करना होगा,
मिलीग्राम मतलब 10^-3 ग्राम, और फिर से ग्राम का कन्वर्जन अगर किलोग्राम में करना है तो और 10^-3 से मल्टीप्लाई करना होगा. नाउ दिस इज किलोग्राम. ओके सो दिस इज न्यूटन पर मीटर. तो ये एफ बाई एल की वैल्यू होगी स्टूडेंट. दिस इज 4×10^-6 न्यूटन पर मीटर, एफ बाई एल की वैल्यू. नो इन सच केसेस वी हैव वन फार्मूला. देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू जीरो आई वन आई टू डिवाइडेड बाय 2πa. ये है ना फार्मूला स्टूडेंट. ओके तो हमें करंट की वैल्यू निकालनी. देखिए दोनों में से पास होने वाला करंट सेम है, मतलब आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई. तो फार्मूला क्या होगा, एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वेयर. ये आई स्क्वेयर होगा. ओके अपॉन 2πa. सो I इज इक्वल टू करंट के लिए फार्मूला क्या होगा, पहले I स्क्वायर के लिए निकालते एफ बाई एल इंटू 2πa डिवाइडेड बाय म्यू जीरो. ओके सो I इज इक्वल टू रूट एफ बाई एल इंटू 2πa डिवाइडेड बाय म्यू जीरो. तो ये फार्मूला करंट के लिए मिलता है, इसमें हम वैल्यूज रखते हैं. अब देखिए यहाँ पर वेट पर मीटर दिया है ना, तो मिलीग्राम का कन्वर्जन हमने किलोग्राम में किया है, लेकिन इसको मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करना होगा. ओके मतलब यहाँ पर होगा इनटू 9.8, तब जाके न्यूटन होगा. तो ये वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, देखिए 4×10^-6 इनटू 9.8. अब ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा. मतलब वेट मिलीग्राम वेट है ना, किलोग्राम वेट किलोग्राम कन्वर्जन कर दिया हमने, लेकिन किलोग्राम वेट का कन्वर्जन न्यूटन में करना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होगा 9.g. तो ये वैल्यू होगी. अब ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है स्टूडेंट. देखिए I इज इक्वल टू रूट एफ बाई एल की वैल्यू 4×10^-6 इंटू 9.8. ओके 2πa इंटू ए 12×10^-2 होल डिवाइडेड बाय म्यू जीरो की वैल्यू 4π×10^-7. देखिए पाई पाई कैंसल, 4 कैंसल, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू रूट. देखिए यहाँ पर कौन कौन सी टर्म बचती है, 9.8×2×12 मतलब 24. ओके इंटू 10 का पावर कितना होगा, 10^-6, 10^-2, 10^-8, और ये 10^-7 ऊपर आने के बाद 10^+7, तो 10^-1 बचेगा यहाँ पर. सो दिस इज रूट. अब इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए. ओके देखिए 9.8×24, तो ये होगा स्टूडेंट 235.2 आता है. ओके और ये 10^-1 है, तो ये डेसिमल पॉइंट फिर यहाँ पर आएगा, मतलब 23.52. ओके और इसका स्क्वायर रूट होगा 4 point something, सो इट इज़ 4.85 एम्पियर. तो ये आंसर रहेगा स्टूडेंट. सो दिस इज ऑप्शन ए. ओके